जो मेंटल मैथ क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट पार्ट। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों प्रैक्टिस करनी है आपको अभी से, ठीक है? आइए करना शुरू करते हैं। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उसके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ विद हरी सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, बहुत इजी है। देखो क्या कहता है, द रेशो ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल टू ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 2:3। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन? ठीक है, साइड फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, अगर किसी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को अगर आप लेके चले तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, आइए मैं लिख देता हूँ। एक्सटीरियर यहाँ पर इसको ऐसे ले लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल यहाँ पर आई एन टी कर देते हैं और ई एक्स टी कर देते हैं, ठीक है, बस एंगल यहां पर इन दोनों का सम क्या होगा? 180 हो। भाई कोई भी पॉलीगन होता है, मान लीजिए ट्रायंगल, ये पॉलीगन है तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया, इनका सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, कोई भी हो, ठीक है। अब यहां पर गिवन है कि इन का सम क्या दिया हुआ, इनका रेशो क्या दिया हुआ है? 2:3। क्या दिया हुआ? 2:3। यहाँ पर मान लीजिए लेट कर लीजिए, ठीक है, या आप इसको, हाँ लेट कर लेते हैं, लेट ये जो पहले लिखा ना एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का रेशो क्या है? 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों, मैं पूरा शॉर्ट से नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। तो एक्सटीरियर एंगल 2x मान लीजिए और इंटीरियर एंगल यहाँ पर, ठीक है, ये मान लेते हैं हम कितना, 3x का मान लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180। तो अगर हम इन दोनों को जमा कर दे तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। 2x और 3x, 5x इक्वल टू 180, 5 से डिवाइड कर, 5 5 5, 5 3 15 और 5 6 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 36 डिग्री आ गई। अब ये हमने क्यों किया, ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है और नंबर ऑफ साइड हम एक्सटीरियर एंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का रेशो क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल जो है वो है 2:2x में, 2 × x की जगह x की वैल्यू 36 और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 72 डिग्री आ गया, यानी ईच मेजर जो है एक्सटीरियर एंगल की वो 72 डिग्री है। अब नंबर ऑफ साइड आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है 360 डिग्री, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना है ईच एंगल से, यानी जो मेजरमेंट आई है ईच एंगल की उससे, इसको डिवाइड करेंगे तो 72 का 5 पे जाएगा बच्चों, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी? 5 साइड हो गई बच्चों। ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो जब भी देखो कोई भी पॉलीगन होता है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 360। वो 360 को अगर साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंगल की मेजरमेंट आ जाएगी, अगर ईच एंगल से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल इज 3 द एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल जो है 3 times है किसका? एक्सटीरियर एंगल का, ठीक है ना। यहां पर मैं ये एक्सटीरियर एंगल लिख लेता हूं, ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, ठीक है, लेकिन ये इंटीरियर एंगल क्या है? 3 है, 3 times, ठीक है, और दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ये लिख दिया 180, इसमें भी नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है,
इसमें भी क्या करना है, नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री है, देन इंटीरियर एंगल कितने का होगा, इंटीरियर एंगल होगा बच्चों 3x का होगा, 3 से ना यहाँ पे लिखा है। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए, x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, 3x और 1x 4x इक्वल टू 180 डिग्री, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, ठीक है। अब ये एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट आ गई, एक्सटीरियर एंगल था ना x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ साइड्स, तो कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को, सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, ये क्या लिखना है, एक मैं सिर्फ 360 लिख देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360, जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का उसको 360 से क्या कर देना है, 360 को वो डिवाइड कर देना है ईच एंगल की मेजरमेंट से, ठीक है। आइए कर लेते हैं, तो ये जाएगा बच्चों किस पे, ठीक है, 9 से कर लो, 9 5 जा और 9 4 जा 0, 5 5 5 5 8 जा 40, तो 8 आ गया बच्चों। नंबर ऑफ साइड कितना आ गया, 8 साइड, इस तरीके से। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 100 डिग्री मोर देन इट एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें फिर वही है, इंटीरियर एंगल जो है 100 डिग्री मोर है एक्सटीरियर एंगल से, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड, साइड फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल ही आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं, लेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्स और इंटीरियर एंगल इक्वल टू, इससे एक्सटीरियर एंगल से 100 डिग्री मोर है ऐसे, ठीक है। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल और इज इक्वल टू 180 डिग्री, कई बार बता चुका हूँ, 1x और 1x, x को ऐड कर लीजिए, 100 इधर प्लस में इधर आकर ये डिवाइड में आ जाए, सॉरी माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में मैंने ले दिया है 2, और माइनस किया तो कितना आ गया, 80 आ गया, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 0 की 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई, यानी एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट आ गई। अब नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करना है, तो कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ साइड्स कैसे करना है, जो सम होता ना एक्सटीरियर एंगल का उसको लिख लीजिए ऊपर और बाई कर दीजिए ईच एंगल की मेजरमेंट से, जो आइए 40, और इसको 0 से 0, 4 1 जा 4 4 9 जा 36, तो 9 साइड आ गई बच्चों, कितनी आ गई, 9 साइड्स आ गई, ये आपका आंसर बन गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। अब इसके अंदर बहुत इजी है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर, यानी इस जो फिगर बनी है इसके अंदर की तरफ तो नहीं है ना भाई, ये 90 का साइन दिया हुआ है, तो बाहर भी कितने का होगा, 90 का होगा, तो ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल की जो मेजरमेंट होता है, जो सम होता है, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर मैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल लिख लेता हूँ, एक्स प्लस 90 प्लस 90, ठीक है, ये वाला 90 और प्लस ये 60 और प्लस 70, ठीक है, ये आ गई, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, इनका सम क्या होगा, 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर मैं, चलो मैं लिख देता हूँ, या बाद में चलो लिख ही देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल 360 डिग्री, याद रखना आपको, ठीक है, एक्स,
अब इनको ऐड कर लो, जीरो 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 आ गया, सेवन और सिक्स थर्टीन, थर्टीन और नाइन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू और नाइन थर्टी वन, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो 360, इधर 310 है, इसको ले आओ राइट साइड में, माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, और एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो आ जाएगी 50। कितना आ गया, 50 डिग्री आ गई बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखो बहुत ईजी है ये भी। इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप बच्चों देखो यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल है, जेड किस में, इंटीरियर एंगल, और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स क्या था, एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लेके हमें चलना है। अब साइड काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव साइड है। सबसे पहले हमें निकालना है कि ये जो फाइव साइड है तो पेंटागन बन गया, पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। और फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सॉरी यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, एन माइनस टू और इंटू 180। इस फॉर्मूले से निकालना है, एन का मतलब साइड से है, तो 5 माइनस टू इंटू 180 डिग्री। आइए 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 180 इक्वल 18, 3 जा 54, यानी 540 डिग्री होगा। ठीक है, ये रखना आपको। अब देखो सबसे पहले ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो, ये भी तो मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ पर ये देखो, ये लाइन होती है 180 डिग्री की, यानी कि एंगल 1 और प्लस अगर हम 80 को करें तो दोनों का सम क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर, क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलते हैं बच्चों इन्हें। ठीक है, अब एंगल 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 180 डिग्री, 80 इधर प्लस में, इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू आ गई भाई, एंगल अब इधर भी ये लाइन बनी हुई है, ये भी क्या होगी 180 डिग्री की होगी, तो एंगल 2 प्लस यहाँ पर 70 डिग्री, ये भी क्या होगा 180 डिग्री होगा, इसे भी क्या बोलते हैं लीनियर पेयर बोलेंगे। तो एंगल 2 यहाँ पर 180 डिग्री प्लस 70 है, इसको ले आओ राइट साइड में तो माइनस कर देंगे, और माइनस किया तो 110 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, ये आ गया। अब आप ले सकते हैं पेंटागन के इंटीरियर एंगल सभी। यहाँ पर देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस यहाँ पर जेड, और प्लस 30 डिग्री प्लस यहाँ पर जेड, और ये 2 तो मैंने ले लिया, और इनका सम किसके इक्वल होगा, 540 के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये मैंने ऊपर करके आपको दिखा दिया। अब हम करेंगे एंगल 1 की वैल्यू क्या आई है बच्चों, 100 डिग्री, 100 डिग्री प्लस 2 की वैल्यू आई है 110 डिग्री। जेड आपको फाइंड आउट करना, 1 और जेड, और 1 जेड होता है 2 जेड, इनको अलग लिख लीजिए, और प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, अब 2 जेड को इधर रखिए। अब देखो 0 0 0 तो 0 आ गया, 10 प्लस 3 और इधर है 1, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 का 4 आ गया। ठीक है, अब लेना है 100 प्लस लेना है, 1 और 1 2 आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 540 डिग्री। अब 240 इधर प्लस में, इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा। आइए मैं इस साइड में कर लेता हूँ, इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2z इक्वल टू 540 और माइनस में 240 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से माइनस किया तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर ये इधर आ गया 300 आ गया। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर दे, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 की 0, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 150 डिग्री आ गई बच्चों। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट्स नहीं लिखते हैं लिखा करें, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें। आप भूल जाते हैं लाइक करना, लाइक करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और ऐप जैसे ही बच्चा कोई उसको अगर सर्च करता है तो तुरंत वो सर्च बार में आती है, सर्च बार में नहीं आती इसका कारण यही है कि आप उसे लाइक नहीं करते हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, और साथ ही मैं कभी
टाइम टू टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक देता हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे पास बहुत कंप्लेंट आती है, सर ये वीडियो नहीं मिल रही है, तो जो वीडियो आप मेरी देखते हैं ना उसके नीचे मेरे चैनल का नाम होता है, उस मेरे चैनल के नाम पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर वीडियोज या प्लेलिस्ट का जो बटन आपको दिखाई देगा उस पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।